हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको M6 5G फ़ोन है, तो पोको M6 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने पोको M6 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करें और कैसे आप QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे पोको M6 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको इसमें से सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास इसमें पोर्टेबल हॉटस्पॉट सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। और आपका हॉटस्पॉट ऑफ है तो कोई भी शेयर QR कोड ऑप्शन शो नहीं करेगा, इसलिए इसको ओपन करना है। इसमें से आप QR कोड को कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और सिंपली देख सकते हैं कि आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो वाईफाई नेटवर्क आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आप QR कोड को स्कैन करके भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट आप चला पाएंगे QR कोड स्कैन करके, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और QR कोड स्कैन करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। एंड आपने वाईफाई को कनेक्ट कर रखा है तो वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई को ऑन करके आपके पास स्कैनर सेटिंग्स भी शो होती है, यानी फ़ोन के स्कैनर से भी QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे वायरलेस इंटरनेट चला सकते हैं और इसका यूज़ भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से QR कोड स्कैन करके वायरलेस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो